स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्रू गेज पर। स्क्रू गेज होता क्या है बेटा? स्क्रू गेज भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्मॉल लेंथ को मेजर किया जाता है, लेकिन स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी होती है वो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होती है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम होता है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बेटा आपने ये बात याद रखनी है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है स्मॉल लेंथ के लिए। ठीक है, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम होता है, लिहाजा इसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो स्क्रू गेज क्या है? एक लेंथ स्मॉल लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेंथ को स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वर्नियर कैलिपर से ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्क्रू गेज होता किस तरह का है? तो बेटा ये डायग्राम स्क्रू गेज की बनाई गई है। स्क्रू गेज दिखने में कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें एक यू शेप का मेटल फ्रेम होता है, ये यू शेप का मेटल फ्रेम होता है जिसके लेफ्ट साइड पर स्टड लगा होता है। ये भी मेटालिक बॉडी होती है, कितनी सी निकली होती है, फिक्स्ड होता है स्टड, इसको बोलते हैं स्टड। बेटा इसके राइट साइड पर ये एक आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर या स्लीव भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, होलो सिलेंडर या स्लीव। इस स्लीव के ऊपर एक इंडेक्स लाइन होती है, ये वाली लाइन बेटा इसको बोलते हैं इंडेक्स लाइन। ये इसके एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि अगर ये लेट्स से सिलेंडर है तो इसका एक्सिस ये होगा, ये इसका एक्सिस है और इसी एक्सिस के पैरेलल जो इंडेक्स लाइन होती है। ठीक है जी, इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन के ऊपर एक स्केल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इंडेक्स लाइन के ऊपर एक स्केल बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसमें छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, डिविजन है, इनको बोलते हैं थ्रेड्स। हर दो थ्रेड्स के दरमियान, ये जो दो थ्रेड्स हैं इनके दरमियान ये जो फासला है बेटा, ये फासला दो थ्रेड्स के दरमियान जो फासला होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है जी, हर दो थ्रेड्स के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर का है, यानी कि 0 से लेकर 5 तक 5 मिलीमीटर बनेंगे, फिर आगे 10 पे चले जाएंगे, तो 1 मिलीमीटर की यहां पर डिविजन है। तो ये बात हो गई होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर पे एक इंडेक्स लाइन होती है जिसके ऊपर हमने मेन स्केल बनाया होता है और ये मेन स्केल बेटा यहां पर फिक्स स्केल होता है, फिक्स्ड स्केल होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता, फिक्स होता है। ये तो हो गया इस यू शेप मेटालिक बॉडी के राइट साइड एंड पर ये लगा हुआ है। फिर इसके साथ ही लगा होता है एक थिंबल। ये थिंबल क्या करता है? ये थिंबल बेसिकली रोटेटेबल होता है, मूविंग होता है। यहां पर ये जो मैंने हाइलाइटेड एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसको सर्कुलेटर बोलते हैं, ये इसको सर्कुलेट करता है, मूव करवाता है। इस थिंबल के अंदर लगा होता है ये स्पिंडल, ये थिंबल से निकल रहा है। ये जो सिलेंडर है ये हॉलो होता है, ये इस तरह से हॉलो है, सिलेंडर हॉलो है और इसके अंदर से गुजर रहा है स्पिंडल जो कि थिंबल का हिस्सा है। समझ लग रही है मेरी बात? सिलेंडर जो है ये हॉलो है, इसके अंदर ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, सिर्फ इसके ऊपर स्केल बना हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर से स्पिंडल का ये थिंबल का एक पार्ट गुजर रहा है और वो गुजर के यहां तक आ रहा है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। जैसे लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक आपने देखी होगी, वो लिपस्टिक की जो बाहर बॉडी, जो बाहर वाला सिलेंडर होता है वो हॉलो होता है, जब आप नीचे से रोटेट करते हैं तो वो लिपस्टिक का स्पिंडल ऊपर निकलता है, वो लिपस्टिक का हिस्सा ऊपर निकलता है। इसी तरह ये स्पिंडल जो है ये हॉलो सिलेंडर में से निकलता है इस थिंबल को रोटेट करने से। समझ आती है बात? ये स्पिंडल हो गया, ये थिंबल हो गया। अब थिंबल के ऊपर एक स्केल बना हुआ है, ये जो ब्लू कलर में ये स्केल, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पर ना 100 डिविजन होती हैं, ये मूविंग स्केल होता है। इस पर बेटा 100 डिविजन होती हैं। जब आप स्पिंडल को एक रोटेशन देते हो,
यानी कि इसको यहाँ से मूव करवाना, जीरो से, लेट्स से 75 से मूव करवाया वापस 75 पे ले आए हो, या जीरो से मूव करवाया जीरो पे वापस ले आए हो, एक रोटेशन देते हो, तो ये जो सर्कल है ये इसके ऊपर आगे या पीछे मूव करता है, इस तरह से रोटेशन देते हो, ये आगे या पीछे मूव करता है, इसके हिसाब से स्पिंडल भी मूव करता है। एक रोटेशन से कितना आगे जाता है या कितना पीछे जाता है बेटा, एक रोटेशन से वो एक थ्रेड का डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला डिस्टेंस, एक रोटेशन से एक थ्रेड का डिस्टेंस कवर होता है, यानी कि एक थ्रेड से अगर जीरो है तो जीरो से वन पे आएगा, अगर वन पे आया तो वन से टू पे आएगा विद वन रोटेशन। अब इट डिपेंड्स कि आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, उसके हिसाब से आगे या पीछे की तरफ मूव करें। तो ये जो वन रोटेशन इसकी होती है इसको हम बोलते हैं पिच। तो बेटा पिच की डेफिनेशन पे आते हैं, पिच क्या है, व्हेन थिंबल, ये जो है थिंबल कंप्लीट्स वन रोटेशन, जब वो अपनी एक रोटेशन को मुकम्मल करता है, स्पिंडल, ये जो है स्पिंडल मूव 1 मिलीमीटर अलोंग इंडेक्स लाइन, ये इंडेक्स लाइन के ऊपर 1 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला फासला 1 मिलीमीटर का फासला कवर करता है। द डिस्टेंस ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज, एंड का मतलब यहां इट इज बिकॉज भी लिख सकते हैं यहां पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, ये जो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स हैं जो मेन स्केल पर हैं या जो इंडेक्स लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर, यहां पर जो इंडेक्स लाइन के ऊपर दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स हैं उनके दरमियान का फासला 1 मिलीमीटर होता है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ये जो एक रोटेशन से जो डिस्टेंस कवर होता है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है और इसी को हम बोलते हैं पिच। इट इज बिकॉज वाली लाइन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो खैर है, आपकी डेफिनेशन हो जाती है। ओके, फिर उसके बाद लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बहुत आसान, लीस्ट काउंट क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज की पिच जो के कितनी है 1 मिलीमीटर, जो के कितनी है जी 1 मिलीमीटर, दिस इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए सर्कुलर स्केल की डिवीजन से, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो आपके पास क्या आ जाती है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज विच इज 0.01 मिलीमीटर। तो ये था इसका स्क्रू गेज का इंट्रोडक्शन, कि स्क्रू गेज होता क्या है, बना किस तरह से होता है, इसके कंपोनेंट्स के नाम क्या है, कंपोनेंट्स की वर्किंग क्या है। आगे इसके बारे में एक छोटी सी बात जो कि वर्नियर कैलिपर के बारे में भी थी, कि स्क्रू गेज में भी क्योंकि दो स्केल हैं, हर स्केल का अपना जीरो है, तो जब भी स्क्रू गेज को भी बंद करते हैं, यानी कि स्टड और स्पिंडल को जोड़ देते हैं या इसको मुकम्मल जीरो पे ले आते हैं, तो होता क्या है, फिर आपकी यहां पर इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल के जीरो की मैचिंग होती है, यहां पर जीरो जीरो की मैचिंग नहीं होती, यहां पर इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल के जीरो की मैचिंग होती है, तो जीरो एरर पढ़ाते हैं बेटा। जीरो एरर पर देखें, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम देखें बेटा, मैंने सर्कुलर स्केल की सारी रोटेशन कंप्लीट, यानी कि अपने स्क्रू गेज को बंद कर दिया, अब बंद किया तो इंडेक्स लाइन और जीरो की लाइन जो है, सर्कुलर स्केल की जीरो की लाइन, इंडेक्स लाइन और सर्कुलर स्केल की जीरो की लाइन, ये इंडेक्स लाइन है ब्लैक मार्कर और ये सर्कुलर स्केल की जीरो की लाइन ब्लू मार्कर, अगर ये कोइंसाइड कर रही है, यानी कि एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, तो सर्कुलर आप स्क्रू गेज में किसी भी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा, तो इस तरह की सिचुएशन में नो जीरो एरर। लेकिन आपने सर्कुलर स्केल की सारी रोटेशन कंप्लीट की, अपना स्क्रू गेज बंद कर दिया, अब बंद करने से हुआ कुछ यूं, ये देखें सिचुएशन कुछ यूं आई कि अभी जीरो ने ऊपर आना ही था कि सर्कुलर स्केल मुकम्मल टाइट हो गया, अब मजीद गुंजाइश नहीं है। यहां पर देखें अभी जीरो नीचे से आ रही है, 10 है 10 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद फिर जीरो आएगा, यानी कि अभी जीरो इंडेक्स लाइन के नीचे है, तो जब जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाए, यानी कि आपकी आपने अपना स्क्रू गेज मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया लेकिन जीरो अभी भी इंडेक्स लाइन के नीचे है, तो इस तरह का जो जीरो की मिसमैच एरर होता है, जो जीरो एरर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस तरह का जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव जब इंडेक्स लाइन के नीचे जीरो आ रहा होगा,
सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के नीचे होगा। और फिर नेगेटिव जेड कब होगा, सारी बात है जब नीचे है तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, और जब ऊपर चला जाएगा यानी कि आपने रोटेट किया और टाइट होते होते जीरो इंडेक्स लाइन से मूव किया और ऊपर चला गया इंडेक्स लाइन से, अब ये जो एरर होगा ना, ये जो मिसमैच एरर है इंडेक्स लाइन का और जीरो का, सर्कुलर स्केल के जीरो का, दिस मिसमैच एरर विल बी कॉल्ड नेगेटिव जीरो। समझ लगी? इसकी जीरो करेक्शन भी होती है बेटा। जीरो करेक्शन में आप सिंपली क्या करते हैं, जो वाली लाइन जैसे कि ये 15th लाइन है ये मैच कर रही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देख लें तो 98th लाइन है ये मैच कर रही है, तो पॉजिटिव जीरो एरर की नेगेटिव करेक्शन होती है, यानी कि आप अपनी रीडिंग में से माइनस कर देते हैं जो आपकी लाइन मैच कर रही है, और नेगेटिव जीरो एरर की पॉजिटिव करेक्शन होती है यानी कि आप अपनी रीडिंग में ऐड कर देते हैं। तो ये जो करेक्शन है ये प्योरली प्रैक्टिकल का काम है, अभी के लिए आपको जीरो एरर का जानना जरूरी है, और करेक्शन के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर आता होगा वहाँ पे आपकी जो एरर की जो रीडिंग होगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी रीडिंग में से, टोटल रीडिंग में से, और जहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर आता होगा वहाँ पे एरर की जो रीडिंग होगी उसको टोटल रीडिंग में से टोटल रीडिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो दिस वॉज ऑल अबाउट स्क्रू गेज, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।